हेलो भाई लोग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में आपको सवाल नंबर 33 तक हो गया था, ठीक है। आज की इस वीडियो में आपको सवाल नंबर 34 से आगे कोशिश करूंगा 40 तक हो जाए, ठीक है। 40 तक मैं आज बताने का प्रयास करूंगा, देख रहे हैं कहाँ तक हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो स्टूडेंट का हम लोग का मैच चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 तक हो गया था, ठीक है। आज 34 देखिए कहाँ आ रहा है सवाल। चौतीस का तीन सवाल दिया है, 34 का एक नंबर का कह रहा है, कह रहा है क्या, किसी समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है, 29 पदों का योग 361 है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल है, देखिए कितना कह रहा है। मान लीजिए, माना कि एपी का प्रथम पद का मान लिया हम, ये मान लिया, क्या मान लिया मैंने बाबू, ए। सार्वंतर का मान रहा है, सार्वंतर डी, क्या मान लिया मैंने डी। एसएन भाव एन पदों का योग, एसएन भाव का होता है एन पदों का योग, एसएन भाव होता है एन बटा दू, दू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। चलिए सवाल में हम लोग का दिया है, क्या दिया है, का दिया है वो प्रश्न में दिया है, दिया है 8 पदों का योग 64 है, एस 8 मानो कितना दिया है 64, या एस एन वाला सूत्र कहता है एन बटा दू, देखिए 8 बटा दू, ठीक है, दू ए प्लस 8 माइनस 1 गुण डी बराबर कितना 64, दू चौके 8, या 4 गुने दू ए प्लस 9 यानी कितना डी, 7 डी बराबर 64, कटा दीजिए 16 चौका 64, या दू ए प्लस 7 डी बराबर कितना आया 16, कितना आया 16। ये हम लोग का क्या हो गया, समीकरण एक, क्या मान लिया बाबू इसको, समीकरण एक, ठीक है। आगे देखिए, फिर से समझ लीजिए आगे वाला सब, आगे कह रहा है 64 दिया है और 19 पदों का तथा एस 19 बराबर कितना दिया है 361 दिया है, कितना दिया है 361, या एस एन सेम चलेंगे सूत्र, 19 बटा दू, दू ए प्लस 19 माइनस 1 और गुणे डी बराबर कितना 361, क्लियर समझ में आया तक, आगे बढ़ रहे, ठीक है। या कितना 19 बटा दू, दू ए प्लस 19 में से गया 18, ठीक है, 18 डी बराबर 361, तिरछा तिरछी काट दीजिए, 19 से 361 और दू में 19 से गुणा तो दू, दू ए प्लस 18 डी बराबर 19 दुना के 38, 19 दुना का आया 38, समीकरण का मान लिया हम इसको दू, लिखेंगे समीकरण एक में से दू को घटाने पर, एक हम लोग क्या यही है, दू ए प्लस 7 डी बराबर 16, ये हो गया दू ए प्लस 18 डी बराबर कितना आया है 38, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए फिर से बाबू, 19 में 19 से गुना किए तो कितना, 19 भाग दी तो कितना है 9, 361, और दू में तीछा तीछी गुना करे तो 19 दूना कितना हो गया 38, ये दू से दू कट गया, ये हो गया माइनस, 8 में 7 गया 1 और 11 डी, और ये देखिए 8 में 6 हो गया 2, 3 में से गया 2 माइनस में, काट दीजिए 11 दूना के 22, तो डी का मान कितना आ गया, डी के डी बराबर कितना हो गया, या डी बराबर कितना है 2, लेकिन डी का मान समीकरण एक में रखने पर, कहाँ रख रहे हैं एक में, तो एक हम लोग क्या है, हम लोग के पास ये है दू ए प्लस 7 डी, यानी 7 गुना डी का मान 2 बराबर 16, या दू ए प्लस 14 बराबर कितना आया 16, या दू ए बराबर 16 माइनस 14, या दू ए बराबर कितना आया 2, 2 से 2 कट गया तो कहाँ बचा, ये बराबर एक बचा, कुछ नहीं बचा तो कहाँ है, एक गुना में
एक बच गया, इसलिए क्या पूछ रहा है जी, कितना पदों का योग पूछ रहा है। मेरा भाई पूछ रहा है एन पदों का योग, इसलिए एस एन बराबर एन बटा दू, दू ए दू गुने एक प्लस एन माइनस वन, और डी का मान क्या है दू है, यानी कि एन बटा दू दू प्लस दू एन माइनस दो, ठीक है, ये दो से दो कट गया तो एन बटा दू और गुने दू एन, ठीक है, दो से दो कट गया तो एन का मान क्या आया एन स्क्वायर, क्या आया एन स्क्वायर। आया समझ में? बिल्कुल समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूं। चलिए अगला सवाल, 34 का दो नंबर, 34 का दो, किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि इसका सार्वभौमिक न है तो समांतर श्रेणी में कई गो पद है और फिर जो पद आएगा उसका जो फल बता देना है, ठीक है। प्रथम पद दिया है, क्या दिया है बाबू, प्रथम पद कितना दिया है 17, अंतिम पद ए बराबर हो गया, ये प्रथम पद को ऐसे सूचित करते हैं तो ए बराबर कितना हो गया 17, अंतिम पद टीएन मान लेंगे, टीएन बराबर कितना दिया है 350, और सार्व अंतर, सार्व अंतर कितना दिया है डी 9 दिया है, कितना दिया है 9 दिया है, ठीक है। चलिए चूंकि बाबू टीएन बराबर क्या होता है सूत्र मेरे भाई लोग, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। टीएन का वैल्यू 350 बराबर ए का वैल्यू 17 प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू 9, एक काम करे भाई जी को एक बार बुला दीजिए, तो 350 माइनस 17 बराबर एन माइनस वन गुने 9, ठीक है, क्या तो समझ में आया। आगे देखिए या ये घटाइए तो 3 हो गया, आई हो गया 4, 4 में से एक गया तो 3 33 बराबर एन माइनस वन गुने 9, अब देखिए कटेगा क्या है 9 से, 9 3 27 आ 9 7 63 37 बार में, या एन माइनस वन बराबर कितना आ गया 37, या एन बराबर कितना आया 37 और प्लस 1 मिलकर कितना हो गया 38, कितना आया 38, यानी कि टोटल इसमें कितना पद है बाबू 38 को पद है, कितना पद है 38 पद है, इसलिए एस 38 बराबर 38 बट्टा दू, दू गुने ए का वैल्यू 17 प्लस 38 माइनस 1, डी का वैल्यू 9, डी का वैल्यू 9, समय अनाज दुना के 38, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे या ये हो गया मेरा बाबू 19 गुने 17 दुना के 34 प्लस 37 गुने 9, या 19 34 प्लस 37 में 9 से गुना करेंगे तो देखिए वो कटा है 333 है, कितना आएगा 333, या 19 गुने ये हो गया 4 3 7 6 और ये हो गया 3 367, 19 7 133 के 3 हासिल 13, 19 6 114 114 जोड़ दो 4 3 7 1 2 127, 127 के साथ हासिल बच्चा 12, 19 3 57, इनमें 57 जोड़ लो 7 2 9 5 1 6 6 9, तो हम लोग आंसर क्या आ गया 6973, कितना है आंसर हम लोग का मेरे भाई लोग 6973, यानी कि 38 पदों का जो कितना आ गया 1973। मेरे ख्याल से आप सभी को मेरे भाई लोग समझ में आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए 33 का 2 हो गया, 33 का 3 देखिए, 34 का 3, किसी समांतर श्रेणी यानी कि एपी के प्रथम 6 पदों का योग 42 है और 10वें पद 10वें और 30वें पदों का अनुपात 1:3 है तो एपी का 13वां पद ज्ञात करें, ठीक है। एपी का 6 पदों का योग
मान लीजिए माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए, सार्वंतर बराबर का मान लिया मैंने बाबू डी, का मान लिया डी मान लिया। एस एन बराबर का होता है, चूंकि एस एन बराबर होता है एन बटा दू दुए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। सवाल में हम लोगों को दिया है छह पदों का योग, यानी कि एस छह बराबर कितना दिया है 42, ठीक है। अब चलिए छह बटा दो, ठीक है, हो गया दुए प्लस छ माइनस एक गुने डी बराबर 42। तीन से कटा द्वितीय के छ, या तीन गुने दुए प्लस पांच डी बराबर 42, चौथिया के 42, यानी कि दुए प्लस पांच डी बराबर कितना आ गया 14। समीकरण एक मान लिए, कहा मान लिया हम समीकरण एक। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, फिर कह रहा है क्या कह रहा है आगे क्या, और इसके दसवें पद और तीसवें पदों का अनुपात, यानी कि टी दस और टी अनुपात माने होता है बटा टी तीस, मिल का अनुपात कितना है 1/3 है, कितना है 1/3 है। तो इसका पहला पद और तेरहवा पद ज्ञात करें। चलिए देखिए इसके बदले में हम लिख सकते हैं मेरे भाई ए प्लस नौ डी, इसके बदले मेरे भाई लिख सकते हैं ए प्लस तीस डी बराबर 1/3, तिरछा तिरछी गुना तीन ए प्लस तीस सताईस डी ए प्लस उनतीस डी, ठीक है मेरे भाई समझ में आ रहा होगा। अभी भाई जी जो है इस सबको एक बार बुला लीजिए, तीन ए प्लस तीन ए माइनस ए प्लस सताईस डी माइनस उनतीस डी बराबर का आया जीरो, या तीन गो में से हो गया तो क्या गो बचा दो गो, और यहाँ पर घटाएंगे तो क्या होगा माइनस दो डी बराबर जीरो, बराबर का आया जीरो। समीकरण एक देखिए, ठीक है ये हो गया हम लोग का समीकरण दो, ठीक है। अभी देखिए समीकरण लिखेंगे, समीकरण एक माइनस दो, एक में से दो का करेंगे घटाएंगे, तो हो गया दुए प्लस पांच डी बराबर 14, ये हो गया दुए माइनस दो डी बराबर जीरो। अब माइनस हो गया प्लस के जब माइनस है, माइनस यहाँ पर क्या करेंगे प्लस, ये कट गया पांच दो सात डी बराबर 14, सात दूना के 14 डी बराबर का आया दो, लेकिन डी का मान समीकरण एक में रखने पर, डी का मान समीकरण एक में रख रहे हैं, एक हम लोग का यही है दुए प्लस पांच डी है तो पांच गुने दो बराबर 14, या दुए प्लस दस बराबर का आया 14, या दुए बराबर 14 माइनस दस, तो या चलिए समझ रहे दुए है तो या ए बराबर हो जाएगा दस में से चार के दू गया, दुए बराबर कितना हो गया चार, इसलिए ए बराबर चार बटा दू दो दूना के चार, ए का मान कितना आ गया दो आया, ए का मान क्या आया मेरे भाई दो आ गया, ठीक है दो आया। तो कह रहा है क्या तेरह पदों का, ये डी का मान निकल गया ए का मान निकल गया, इसलिए टी तेरह बार जो ज्ञात करे कह रहा है, देख लिया जाए अभी बुक साथ में रखिएगा अपने पास तब जाकर समझ में आएगा, तेरहवा पद ज्ञात करना है ते तेरह बराबर, तो हो जाएगा ए प्लस नौ बारह डी सूत्र होता है। तो बाबू देखिए ए का मान हो गया दो प्लस बारह गुने डी का मान क्या आया है दो, यानी कि दो प्लस बारह दूना चौबीस, चौबीस है दो छब्बीस, यानी कि ए का मान कितना आया दो और डी का मान कितना आया छब्बीस, ठीक है। यानी कि प्रथम पद का आ गया हम लोग का ए का मान दो आया, और तेरह पदों का तेरहवा पद कितना आया छब्बीस। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सवाल नंबर 35, ये है सवाल, है ना, देखिए कितना आसान है, कॉरेल भारी है कुछ नहीं है। यदि ए बी सी के सी किसी समांतर श्रेणी के प्रथम के क्रमशः यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः प्रथम तृतीय तथा एनवा पद है, तो सिद्ध करें कि एन पदों का योग सी प्लस ए बटा दू प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी माइनस ए है, ठीक है। देखिए का दिया है,
लिखेंगे दिया है, दिया है, का का दिया है, टी वन बराबर ए, ठीक है, टी थ्री बराबर बी, और टी एन बराबर टी एन टी थ्री तथा एन वा पद है सी दिया है। चल मेरा भाई देखिए, चूंकि टी थ्री बराबर का दिया है बी दिया है, एक बदले में हम लिख सकते हैं ए प्लस दो डी बराबर कौची बी, या दो डी बराबर बी माइनस ए, या डी बराबर बी माइनस ए बटा, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए आगे फिर देखिए का दिया है, पुनः एनवा पद टी एन बराबर कितना दिया है सी दिया है। बाबू एपी का एनवा पद टी एन बराबर होता है, सूत्र होता है मेरे भाई ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर का होता है सी। तो चलिए ए का तो मान ए हो गया, ठीक है, एन का मान तो एन माइनस वन भर दिए, और डी का मान क्या है बी माइनस ए बटा दो बराबर क्या है सी है। चलिए अभी भाई जी है इसको ए पर भेज दे रहे हैं, तो एन माइनस वन गुने बी माइनस ए बटा दो बराबर सी माइनस ए, क्लियर है। अब चलिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे दूसरे यहाँ पे, ठीक है, या एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए बराबर दो गुने सी माइनस ए, क्लियर समझ में। अब चलिए या एन माइनस वन बराबर दो इंटू सी माइनस ए बटा में लेके चले हैं तो बी माइनस का आ गया एक, क्लियर समझ में आया, तक आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, या एन बराबर आ गया दो इंटू सी माइनस ए बटा बी माइनस ए प्लस वन, प्लस का वन, ये वो माइनस है उस पर भेज दे तो क्या हो गया प्लस हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, अब एन का मान भी निकाल लिए हम लोग, क्लियर हो गया यहां तक, लेकिन इसलिए एस एन बराबर यानी एन पदों का योग, एन पदों का योग एस एन बराबर का होता है एन बटा दू दू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हम लोग का एन का माना है एस दू सी माइनस ए बटा बी माइनस ए प्लस वन, अब यही एन का मान रखेगा टू गुने सी माइनस ए बटा बी माइनस ए प्लस वन, सबके बटा में दो, सभी के बटा में क्या आ गया दो, अब दो गुने ए का मान क्या है ए है प्लस वाई, एन का मान जो आया है वो भरेंगे दो सी माइनस ए बटा बी माइनस ए प्लस वन माइनस वन, ठीक है, और गुणा में क्या हो गया डी, आया समझ में आ तक, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बराबर दो। चलिए एक काम कर रहे हैं हम, इसकी दो से दो कट जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं काटेंगे, पहले हम इसको हल कर रहे हैं आगे, दो सी माइनस ए बट्टा बी माइनस ए बट्टा दो प्लस वन, ठीक है, आगे देखिए अब दू ए प्लस दू सी माइनस ए बट्टा बी माइनस ए प्लस, ये हो गया कट गया, ठीक है, तो ये बच गया हम लोगों को ची डी, क्लियर समझ में आया तक। यहां तक समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आया होगा, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको हम उल्टा करेंगे जब, तो ये हो जाएगा दू सी माइनस ए बट्टा बी माइनस ए, अभी गुणा में बदल जाएगा, तो गुणे एक बट्टा दू और प्लस फिर एक बटा दू, ये कहां से एक बटा दो है, तो भाई इसके लिए भी तो दो है यहाँ पे, ठीक है, ये दो से दो कट गया और ये हो गया दू ए प्लस दू सी माइनस ए बट्टा बी माइनस ए, और एक मिनट यहाँ पे इंटू में डी है, इंटू डी, डी का वैल्यू क्या निकाले वो बी माइनस ए निकाले, इसको भर देने दीजिए बी माइनस ए बटा दू बी माइनस ए बटा दू, यहाँ भी भर देंगे बी माइनस ए बटा दू, क्लियर है बाबू। अभी देखिए आप, अब हम क्या करेंगे, ये दू से दू कट जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और ये दू और हम चाहे तो इसमें भी देखिए दो से दो कट जाएगा गुना में, ठीक है, और यह एक बटा दो है, आप इसके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक मिनट रुकिए। चलिए ऐसा अपन दूसरे कलर से कटा रहे हैं,
ताकि आपको दिखेगा। दूसरे कलर के मार्कर से मैं आपको कटा कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ये तो आपको समझ में आया, दो से दो कट गया, और यहाँ पे देखिए ये दो से ये दो कट गया, अब बी माइनस ए से बी माइनस ए कट गया, ठीक है। अब देखिए जो बच गया हम उसको लिखने जा रहे हैं, हम बचा है हम लोग को सी माइनस ए बटा बी माइनस ए प्लस एक बटा दो, ठीक है, गुना दू ए प्लस सी माइनस ए, ठीक है। अब दो गो में से हो गया तो क्या गो बचा, एगो बच्चा, यानी कि सी माइनस ए बटा बी माइनस ए प्लस एक बटा दू। अब ये हो गया गुना में, दो गो में से हो गया तो क्या गो बचा, एगो बचा ना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सी प्लस ए, लिख सकते हैं यहाँ ए प्लस सी, कुछ और लिख दिया यहाँ पर, देखिए हमको सी प्लस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए बाबू आगे देखिए हम बराबर, अब चलिए अब हम इसके गुना बटा में एक बटा दो है यहाँ पे, और अब इसका हम बटा का जोड़ बना रहे हैं, बटा का जोड़। तो चलिए चलिए अब फिर आगे देखिए, अब यहां पर लिख सकते हैं इसको मेरे भाई सी माइनस ए बटा बी माइनस ए प्लस एक बटा दो इंटू सी प्लस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चलिए अब इसका हम बटा के जोड़ बनाएंगे तो क्या होगा, गुणा कर रहे हैं इसमें, इससे इसमें, तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, फिर मैं बता दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इससे गुणा किए इसमें तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आप बटा बी माइनस ए, और इससे गुणा करेंगे एक बटा दो में तो प्लस सी प्लस ए आप बटा में क्या आएगा दो, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं सी प्लस ए बटा दो प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी माइनस ए, यही तो हम लोग को प्रूव करना है, यही प्रूव इन पदों का जोड़ आ गया, क्लियर समझ में आया, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे फिर से समझिए, ये गुना में सब में जगह यहाँ से जो भी है ये सब के क्या है गुना में, यहाँ भी तो गुना में है ये, इसको केवल कोष्ठ में कर दिया। अब इसके बाद इससे गुना किए सब में, ये प्लस देख के मत कहिएगा सर जी अलग है ये, इसको हम चाहे तो ऊपर से भी कोष्ठ में यहाँ से ला सकते हैं। चलिए हम ला दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से, वो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर समझ में आ गया, कोई समझ कोई दिक्कत नहीं होगा। ये एन एन का मान है, देखिए एन का मान है ये, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और हाँ इस थोड़ा वीडियो को यहाँ पे ध्यान से वीडियो को देखिएगा तभी समझ में आएगा, ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है, सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा बहुत टेढ़ा है, ज्यादा टेढ़ा नहीं है, इसका मैं आपको 36 नंबर सवाल बताऊंगा, समझ में आ जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है, 36 कह रहा है क्या, किसी समांतर श्रेणी के एमवा पद एक बटा एन है और एनवा पद एक बटा एम है, तब सिद्ध करें कि इसके एम एन पदों का जोग एम एन प्लस वन बटा दो है, जहां एम एन बराबर नहीं है, एम इज इक्वल टू नॉट एन दिया है। तो देखिए बाबू मान लीजिए, माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए और सार्वान्तर कौन चाहिए डी, सार्वान्तर का मान लिया हम डी। चलिए बाबू आगे, चूंकि एस एन बराबर का होता है एन बटा टू दू ए प्लस एन माइनस वन इंटू मेरे भाई क्या होता है डी होता है, ठीक है, यहां तक दिक्कत। प्रश्न में देखिए कह रहा है का एमवा पद, चूंकि टी एन बराबर का होता है बाबू और ये गो तथा टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, सवाल में देखिए क्या कह रहे हैं एमवा पद एक बटा एन है, यानी कि एमवा पद, ठीक है, एक एक एमवा पद एक बटा एन क्या है एमवा पद, यानी कि टी एम बराबर जो दिया है एक बटा एन दिया है, तो ए प्लस ए माइनस वन इंटू डी बराबर एक बटा एन, समीकरण एक तथा क्या दिया है, ये दिया है बाबू प्रश्न में, प्रश्न और क्या दिया है एनवा पद टी एन बराबर एक बटा एम, क्या दिया है एक बटा एम। तो चलिए हम इसके लिए लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर एक बटा एम, लिख सकते हैं, समीकरण दो मान लिए, कहा मान लिया हम समीकरण दो।
तो लिखेगा समीकरण एक में से दो को घटा दीजिए, समीकरण एक माइनस दो, एक में से दो घटा रहा है तो हो जाएगा हम लोग का a प्लस ए माइनस वन इंटू डी बराबर एक बटा एन, और ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर एक बटा एम। ठीक है, ये हो गया माइनस, ये भी माइनस, और ये हो गया माइनस, ये कट गया, ए से कट गया, जो बच गया उसको लिख दे रहे हैं, एम माइनस वन इंटू डी बचा है, माइनस में एन माइनस वन इंटू डी बचा है, और यहाँ एक बटा एन माइनस एक बटा एम बचा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे, ठीक है, अब चलिए, अब माइनस से हम गुणा करेंगे इसमें, यहाँ पे पहले तो डी कॉमन निकाल दे रहे हैं, एम माइनस वन, ठीक है, माइनस एन और प्लस वन बराबर लघुत्तम आ गया एम एन, एन से एन कट गया का बच्चा एम, माइनस एम से एम कट गया का बच्चा एन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एक से एक कट गया तो डी बराबर हो गया एम माइनस एन बराबर एम माइनस एन बटा एम एन, ये वाला ही कट गया तो डी का मान का आया एक बटा एम एन, आया एक बटा एन, लिखेंगे डी का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में ये वाला है तो ए प्लस एन माइनस वन एम माइनस वन, डी का मान एक बटा एम एन बराबर एक बटा एम दिया। ठीक है, या चलिए आगे, अगर हम इसमें गुणा करेंगे ए प्लस एम बटा एम एन माइनस एक बटा एम एन बराबर एक बटा एन, क्लियर है? ठीक है, ये एम से एम कट गया, कट गया ना, अभी भाई जी को ऊपर भेज देंगे या ए बराबर, ठीक है, ये सबको ऊपर भेज रहे हैं तो एक बटा एन तो प्लस में पहले से ये हो गया, गया तो माइनस हो गया, और ये हो गया एक बटा एम एन प्लस में, ये कट गया तो ए बराबर का आया एक बटा एम एन। तो पूछ का रहा है, देख लिया जाए हम लोग, पूछ रहा है तो इसके ए एम प्लस एन, इसलिए एस एम एन प्लस वन बटा दो बराबर, ठीक है, एम एन पदों का जो एम एन पदों का जो पूछ रहा है, एम गुणे एन पूछ रहा है बराबर, तो एम एन बटा दो, ठीक है, दो ए प्लस दो ए का मान हो गया हम लोग का एक बटा एम एन प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी एक बटा एम एन, ठीक है बराबर। चलिए आगे हम इसको हल कर रहे हैं, तो एम एन यहाँ पर बटा दो, ये हो गया दो बटा एम एन प्लस एम एन बटा एम एन माइनस एक बटा एम एन, ठीक है। चलिए अब आगे, अब ये देखिए एम एम एन से एम एन का हो गया कट गया, कट गया ना, तो क्या बचा यहाँ पे, एक बचा, एक बचा यहाँ पे। चलिए आगे हल कर रहे हैं इसको आगे, चलिए, या एम एन बटा दू इंटू दो बटा एम एन प्लस वन माइनस एक बटा एम एन, अब दो गो एम एन यहाँ पे है, यहाँ एक गो है तो घटेगा तो कई गो हो जाएगा, एम एन बटा दू तो एक बटा एम एन नहीं लिख सकते हैं, अब प्लस वन लिख सकते हैं ना, अब एक लघुत्तम लेंगे तो या एम एन बटा दू, ये लघुत्तम आया एम एन, ठीक है, एम एन आ गया एक प्लस एम एन, एम एन से एम एन कट गया तो क्या बचा, एम एन प्लस वन बटा दू, यही तो हमको प्रूव करना है, यही तो सही हमें प्रूव करना है, यही हमें प्रूव है, बिल्कुल बहुत आसान सवाल है, कितना बहुत जल्दी कितना जल्दी है। फिर से एक बार समझ लें, एपी को प्रथम पद का मान लिया ए, मान लिया सार्वंत्र क्या मान लिया डी, तो बाबू एपी के एन पदों का जो क्या होता है सवाल, एन बटा दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एनवा पद क्या होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, तो कह रहा है प्रश्न में एमवा पद एक बटा एम है, एन है एक बटा एन है, यानी कि जो एन का वैल्यू है वो यहाँ पर यदि हम एम रख रहे हैं तो उसका मान क्या आ रहा है एक बटा एन, तो चलिए जहाँ जहाँ एन था वहाँ दी एक बटा एन समीकरण एक मान लिया, और फिर कह रहा है क्या एपी का एन पदों एनवा पद एक बटा एम है एक बटा एम है, तो यही सेम जो कहते हो रखे एक बटा एम,
समीकरण एक और दो मान लिए, समीकरण एक में से दो को घटा दिए तो माइनस का जब घटाते हैं तो चिन्ह में क्या होता है परिवर्तन, ए से एक कट गया। अब जो बचा है उसको हम ये माइनस वन इंटू डी लिखे और माइनस एम एन माइनस वन इंटू डी लिखे और ये एक बटा एन माइनस एक बटा एम एन। और फिर इसको हल किए, इसको डी कॉमन निकाल दिए और यहाँ माइनस से गुणा किया, माइनस एन माइनस वन लिखे प्लस, ये वाला कट गया तो बचा एम एन। और यहाँ पर इसको हल किया हम लोग बटा के घटाओ है तो ये आया एम माइनस एन बटा एम एन, ठीक है। एम एन से एम एन कट गया और बचा का जो डी बराबर एक, यहाँ पर कुछ नहीं एक बचा है एक बटा एम एन, डी का मान समीकरण एक में रखे हैं। देखिए यहाँ पर डी का मान आ गया हम लोग का, ठीक है। अब इसके बाद गुणा किए इससे, देखिए गुणा आया यहाँ पर गुणा है, एम से एम कट गया बच गया एक बटा एन, ये भी एक बटा एन बचा है, ठीक है। तो ये देखिए अब डायरेक्ट किया गया यहाँ पे, ये प्लस था पहले से, ये माइनस प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ये वाला कट गया जो बच गया वो लिख दिए। इसलिए एम एन बराबर एम एन पदों का जो पूछ रहा है तो एम एन पदों का एन में जो एम एन भर देना है, एम एन बटा दू दू गुने एम एन एक, एक का मान क्या है एक बटा एम एन है, प्लस एम एन का मान क्या है एम एन माइनस एक, बिल्कुल सही है, समझ में आया होगा आप सभी को, बढ़िया समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए सवाल नंबर देखेंगे 37, वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा है, सवाल लंबा लंबा है तो वीडियो लंबा होगा ही। यदि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद माइनस 13 है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद माइनस 13 है और इसके प्रथम चार पदों का योग 24 है तो इसके 10 पदों का योग कितना होगा। एपी का दिया हुआ, मान लीजिए पहले माना कि एपी का प्रथम पद का मान लिया हम ए और सर्वांतर का मान लिया हम डी, सर्वांतर का मान लिया हम डी, ठीक है। इसलिए टी एन बराबर का होता है एनवा पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, टी एन बराबर होता है सूत्र। कह रहे सवाल में और एस एन एन पदों का जो एस एन बराबर का होता है ए प्लस टू एन बटा दू दू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्लियर है। चलिए प्रश्न में देखिए क्या लिखा है, प्रश्न में प्रश्न से मेरे भाई प्रश्न में कह रहा है क्या, एपी का 12वां पद यानी कि टी 12 बराबर माइनस कितना दिया है 13 या ए प्लस 11 डी बराबर माइनस 13, समीकरण एक मान लिया कमाने दो। फिर आगे कह रहा है क्या, चार पदों का जोग एस एन एस चार बराबर, चार पदों का जोग कितना है, प्रथम चार पदों का जोग 24 दिया है यानी कि चार बटा दू दू ए प्लस चार माइनस एक आगुने डी बराबर कितना 24, ये कटाएंगे दू दू के चार हो गया तो दू दू ए प्लस तीन डी बराबर कितना 24, बारह दू के 24 यानी कि दू ए प्लस तीन डी बराबर कितना आया 12, समीकरण दो मान लिए, क्या मान लिया हम समीकरण दो। अब वो काम कर रहे हैं समीकरण एक में हम दो से गुना करके एक को घटा रहे हैं, लिखेंगे समीकरण एक गुने दो माइनस दो, ठीक है, समीकरण दो माइनस समीकरण दो, एक में से दो घटा दे रहे हैं गुना करके, दो से गुना करेंगे तो क्या आएगा दो ग्यारह दुना के 22 डी तेरह दुना का माइनस 26 और ये जो है वैसे ही उतार दिए, दू ए प्लस तीन डी बराबर 12, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, कट गया, ये घटाएंगे तो 3 19 हो जाएगा, कितना होगा 19, अभी जोड़ेंगे तो होगा माइनस का 38, कितना हो जाएगा। देखिए 12 में से 3 गया 9 एक का एक, 6 दो 8 दो गो एगो 3 गो 19 दुना के 38, ठीक है। तो डी का मान कितना आया माइनस 2 आया, कितना आया मेरे भाई माइनस माइनस 2, लिखेंगे डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर यानी कि एक यही हम लोग का ए प्लस 11 माइनस 2 बराबर माइनस 13 या ए बराबर ए माइनस 22 बराबर माइनस 13 या ए बराबर माइनस 13 और प्लस का 22, ठीक है, या एक हमारा हो जाएगा 9, 9 तीन बार 12 बारह में से तीन या नौ, एक में से गया जीरो, एक हमारे कहता है नौ। अब क्या पूछ रहा है हम लोग के पास, पूछ रहा है क्या, तो इसके 10 पदों का जो ज्ञात करें, इसलिए एस 10 बराबर 10 बटा दू
दो गुने एक का मान नौ प्लस दस माइनस एक और डी का मान माइनस दो, यानी कि पाँच दुना के दस, पाँच नौ दुना अठारह प्लस ये हो गया नौ बोले माइनस दो हो गया पाँच, अठारह माइनस अठारह ठीक है तो बराबर हो जाएगा पाँच गुने जीरो बराबर कौन सी जीरो आंसर साबित करे कर रहा है क्या नहीं जो कितना होगा तब अब कितना हुआ दस पदों का जो कितना आया जीरो आया कितना आया जीरो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए बस 37 तक ही रहने दे रहा हूं इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी सवाल है इसको बताऊंगा आप हाँ बाबुल समझ में आ रहा है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो भी मैं और भी वीडियो आपके सब्सक्राइब के द्वारा ही मैं मेरे भी मनोबल बढ़ेगा और मैं और भी वीडियो डालूंगा ठीक है आप वीडियो को बार बार देखिए और बढ़िया समझिए ना समझ में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए तो गुड बाय टेक केयर जय हिंद।